गट्टू विजिट ए फार्म। गट्टू के पापा के बहुत 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 दोस्त थे और उनके सभी दोस्त उनके घर आया जाया करते थे, इसलिए गट्टू चिंकी की पापा के सारे दोस्तों के साथ काफी अच्छी दोस्ती हुई थी। पापा के दोस्त जब भी आते तो खाली हाथ नहीं आते थे, गट्टू चिंकी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया करते थे, जैसे कि ढेर सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और भी बहुत कुछ। एक संडे की बात है, गट्टू चिंकी और पापा तीनों को छुट्टी थी, इसलिए सब काफी रिलैक्स बैठे थे। तभी पापा बोले, बच्चों तैयार हो जाओ, तुम्हारे मनीष अंकल आ रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी बहुत 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 खुश हुए और नाचने लगे। ये बा अदब बा मुलायजा, होशियार, हमारे प्यारे प्यारे मनीष अंकल पधार रहे हैं। गट्टू ने मनीष अंकल के आने की खबर रॉयल अंदाज में सुनाई और मनीष अंकल की एंट्री हुई। अरे किसान हूँ भाई, कोई राजा महाराजा नहीं। अंकल के हाथ में उनके फार्म से लाई हुई सब्जियां और फ्रूट्स थे। भाई मनीष, तुम हमारे लिए किसी राजा महाराजा से कम थोड़ी हो। अरे जब भी आते हो हमारे लिए फार्म से फ्रेश फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स लाते हो। अब इतना बड़ा दिल और शहर के किनारे इतना बड़ा फार्म तो किसी राजा महाराजा का ही हो सकता है। ये सुनकर मनीष अंकल के साथ साथ मम्मी भी हंसने लगी और फिर मम्मी ने मनीष अंकल से सारा सामान ले लिया और वो अंदर चली गई। हॉल में पापा और गट्टू चिंकी मनीष अंकल के साथ बैठकर बातें करने लगे। दरअसल मनीष अंकल इंजीनियर थे, लेकिन साथ साथ खेती भी करते थे। शहर के किनारे ही उनकी लंबी चौड़ी जमीन थी। बताओ गट्टू चिंकी, कब चलना है अपना फार्म देखने? जब आप ले चले। अरे मनीष, ये दोनों तो कब से तैयार बैठे हैं, तुम्हें जब वक्त हो तो दोनों को फार्म घुमा लाओ। अरे तो आज ही चलो, क्योंकि मेरे पास आज वक्त ही वक्त है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी नाचने लगे। ये हम फार्म जाएंगे, हम फार्म जाएंगे। फिर गट्टू चिंकी फटाफट रेडी हो गए और मनीष अंकल के साथ उनकी कार में बैठकर उनके फार्म की तरफ निकल पड़े। जैसे ही गट्टू चिंकी ने जमीन पर कदम रखा, उन्हें फ्रेश फ्रेश हवा और नेचर की शांति का एहसास हुआ। वाओ, ऐसा फ्रेश ऑक्सीजन और ऐसी शांति शहर में कभी मिल ही नहीं सकती। अंकल, आपका फार्म कहाँ है? वो देखो सामने। गट्टू चिंकी ने सामने देखा तो वो देखते ही रह गए। सामने ऐसी हरियाली और उस हरियाली के बीच ऐसा खूबसूरत फार्म हाउस था जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। गट्टू चिंकी ने फार्म देखा और वो फार्म की तरफ भागने लगे। तभी उन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की जोरदार आवाज आई। गट्टू चिंकी ने देखा कि एक कुत्ता भौंकते हुए उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। कुत्ते को देखकर चिंकी जोर से चिल्लाई, ओह मैजिक! गट्टू देखो, हमारा मैजिक कितना बड़ा हो गया है। और दोनों मैजिक को पुकारते हुए दुगुनी रफ्तार से मैजिक के पास आए। मैजिक दोनों को चाटने लगा। गट्टू चिंकी ने उस पर प्यार बरसाया और खास उसके लिए लाए हुए बिस्किट उसे खिलाया। दरअसल मैजिक गट्टू चिंकी का ही डॉगी था। जब वो छोटा था तब पापा उसे लेकर आए थे। मम्मी को डॉगी पसंद नहीं है, इसीलिए मनीष अंकल मैजिक को अपने फार्म हाउस लेकर आए थे। मैजिक अब काफी बड़ा हो गया था और फिर भी उसने गट्टू चिंकी को पहचान लिया था। फिर गट्टू चिंकी, मैजिक और मनीष अंकल चारों फार्म घूमने लगे। मैजिक सबसे आगे था, मानो वो गट्टू चिंकी को पूरा फार्म दिखा रहा था। गट्टू चिंकी, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैजिक फार्म छोड़कर कहीं नहीं जाता। फार्म की देखभाल और सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी मैजिक पर है। फिर गट्टू चिंकी ने सब्जियों के खेत देखे, जिसमें टमाटर, गोभी, पालक और गाजर के खेत थे। गट्टू चिंकी ने एक एक लाल गाजर जमीन से निकाला और पानी की बहती धारा में उसे अच्छे से धोकर खाने लगे और खाते खाते बातें भी होने लगी। वाओ अंकल, ऐसा लग रहा है मैं गाजर नहीं, नेचर टेस्ट कर रहा हूँ। सच में, क्या फ्रेशनेस है, क्या स्मेल है, क्या स्वीटनेस है। हम जब मार्केट से कैरेट लाते हैं उनमें ऐसा स्वाद नहीं होता। उसके दो कारण हैं। एक तो वो उतने फ्रेश नहीं होते और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, वो केमिकल्स का यूज करके उगाए जाते हैं, जैसे कि कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके। लेकिन हमारे फार्म में सब कुछ 100% ऑर्गेनिक है। कंपोस्ट जैसे खाद फार्म में ही निर्माण किए जाते हैं और सारे प्लांट्स को दिए जाते हैं।
उसी का कमाल है ये। फिर गट्टू चिंकी ने कंपोस्ट का प्लांट देखा। उसके बाद उन्होंने फार्म में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी देखे, जिसमें एक था डेयरी डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारी गाय और भैंस थी। उनका दूध निकालकर प्रोसेस होती थी वहाँ। यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। गाय को जो चारा खिलाया जाता है उससे दूध मिलता है, और चारे का जो गोबर बनता है उससे कंपोस्ट बनता है। फिर उन्होंने एक डिपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारी मुर्गियां थी। वो फार्म को अंडे देने का काम करती थी। फिर गट्टू चिंकी ने फिश डिपार्टमेंट देखा। एक बहुत बड़ा अंडे का आकार वाला तालाब बनाया गया था। उसमें बहुत सारा फ्रेश पानी था और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने मैजिक और मनीष अंकल के साथ घूमकर फार्म का एक एक कोना देखा। फिर उन्होंने वही अंकल और मजदूरों के साथ बैठकर लंच किया। लंच में ज्वार की भाकरी, मेथी की हरी सब्जी और साथ में फ्रेश प्याज, गाजर, मूली, हरी मिर्ची और अलग अलग प्रकार की चटनियां भी थी। वाह, ऐसा लंच मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। सच में सब कुछ अद्भुत है यहाँ। फिर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर फार्म हाउस में आराम किया। फार्म हाउस ब्यूटीफुल फार्म में बसा एक काफी खूबसूरत और आलीशान घर था, जिसमें शहर वाली सारी सुख सुविधाएं थी। फिर गट्टू चिंकी ने फार्म के मजदूरों के साथ घूम घूम कर उनका काम समझा और साथ साथ उनके साथ ढेर सारी बातें भी की। और देखते देखते शाम हो गई। अब बारी आई थी फार्म छोड़ने की। गट्टू चिंकी और मनीष अंकल कार की तरफ बढ़ने लगे तो मैजिक भी पीछे पीछे आने लगा। मैजिक, तुम हमारे पीछे मत आओ, हम अब जा रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, हम अगले संडे फिर आएंगे। ये सुनकर मैजिक वापस फार्म हाउस की तरफ भाग गया और गट्टू चिंकी कार में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।